नीट के नतीजों पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो क्या हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा, ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुनाया। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुँच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को रीनीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर, तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आज आके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया, 6 सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा और इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है, सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। नीट, जेई और सीयूईटी, विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। सरकार एक्शन की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है। ये हमारे देश के लाखों जो नौजवान हैं उनके भविष्य का सवाल था और प्रधान साहब इस पर लीपा पोती करना चाहते हैं या पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, छात्रों की प्रमुख तौर पर मांग है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, छात्रों की मांग जायज़ है, चाहिए। सीबीआई आखिर किस लिए है? ऐसे घटनाओं की जांच के ही तो बनाया गया है सीबीआई। में जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक का इधर उधर के मुद्दा की तलाश में है। राजनीति अपनी जगह। नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे उन सभी का रीनीट बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से होना चाहिए। अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर और आगे के बच्चों के लिए कैसा रहेगा? छात्रों का आरोप है, गुजरात बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए रैंक। ये रैंक 20 से 25000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। नीट परीक्षा देश की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा पर उठे सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और वो भी ईमानदारी से, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा है।